करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने में बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। 45 मीटर तक पाइप को अंदर पुश करने का काम पूरा हो गया है। पाइपलाइन से श्रमिकों के बाहर निकालने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसके लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस 41 एम्बुलेंस को सिलक्यारा टनल के पास खड़ा किया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके में बीते 24 घंटे से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। आतंकी रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है जंगलों में छिपे 2 आतंकियों को जल्द से जल्द नस्तानाबूद किया जाए। राजौरी और पुंछ के इलाके में अब तक सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया है। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। मथुरा में प्रधानमंत्री संत मीराबाई की 525वीं जयंती उत्सव में शामिल होंगे। पीएम संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और सूत्रों की माने तो अपने मथुरा दौरे पर पीएम मोदी जन्मभूमि जाएंगे, जहां पीएम भगवान श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन कर बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 समिट बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने डीप फेक पर चिंता जताई और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की सोच है एआई के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर सभी मिलकर काम करें। वहीं आज डीप फेक के मुद्दे पर सोशल मीडिया मंच के प्रतिनिधियों के साथ सरकार ने 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे के बाद राजनीतिक दलों की डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राजसमंद दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नाथद्वारा में रोड शो करेंगे। वहीं सीएम योगी झोटवाड़ा में रोड शो करेंगे। अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली के यशोभूमि में 2 दिवसीय DETE कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। दरअसल एक्सपो में भारत की बढ़ती डिजिटल महत्वाकांक्षाओं और तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD और CEO भी शामिल होंगे। बैठक में नए स्टार्टअप निवेशकों समेत IT फील्ड की बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी। अगली बड़ी खबर, अंबाला में वायुसेना का आज एयर शो होगा और देखिए 2 दिन तक चलने वाले इस एयर शो का आयोजन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। इस एयर शो की खास बात यह है कि अंबाला में पहली बार राफेल समेत अन्य जहाज एयर शो में शामिल होंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना 75 साल पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रहा है, जिसके तहत आज और कल वायुसेना एयर शो कर रही है। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड नफीस बिरयानी को मुठभेड़ के पास पुलिस ने गिरफ्तार